सबसे पहले तो हम आप सभी पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं कि जब जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ती है, आप सबके सहयोग से, आप सबके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं और समाज में जाती है, समाज भी हमारा साथ देता है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पत्रकार भाइयों को। आज ये एक बड़ा मुद्दा है कि आज तक आपने काफी दिनों से सपा की राजनीति की है, सपा छोड़ करके आज आप भाजपा में आ गए, क्या कहना है? हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी सर। जब मैं 2010 में हमारे पति राम कुमार यादव कानून गो ने बैकोट महिला, हमारे मछुआरे ग्राम सभा की बैकोट महिला सीट थी प्रधानी की, तब हमारे पति ने हमें ग्राम प्रधानी लड़ने के लिए उतारा। उस समय मायंग निवासी चंद्रभर सिंह सोनू, यशभर सिंह मोनू बसपा से विधायक थे, बसपा की सरकार थी, उनकी बहुत तपी हुकूमत चलती थी। उन्होंने हमारे गांव में 22 प्रत्याशी उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन सबको बुला के उन्होंने बैठा दिया और उसमें हमारे पति को बुलाए, हमें भी बुलाए, लेकिन हमारे पति ने उनके बुलाने पर नहीं गए। उसके बाद में बोले कि अपने गुंडों के भेजे, हमारे घर पे चढ़ के आए 5-6 लोग, उनके जो घंटी हंडी संडे ली जो हैं उनके ग्रुप के गुंडे, उन्होंने कहा, मुझसे खुद कह के गया, उस समय चौकी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह थे, हमने सारी बात बताई, उन्होंने भी सुना उस बात को, कहे कि आप चुनाव मत लड़ो, अगर जो आप प्रधानी का चुनाव लड़ रही हो बिना भैया के पूछे तो आप जीत भी जाओगी तो आपकी हत्या कर दी जाएगी और आपको, आपके पति की हत्या कर दी जाएगी और आपको परिवार सहित घर गांव से निकाल दिया जाएगा, आप इस गांव में नहीं रह पाएंगी भैया के खिलाफ चल के। और उन्होंने जो कहा उसको कह के चले गए। जब हमारे पति ड्यूटी से आए उस समय मतलब अंतिम चरण चुनाव नहीं था, तब हमने उस सारी बात बताई, तब हमारे पति ने कहा कि आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़ेंगे और किसी विधायक सांसद से हम पूछ के चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता हमें चाहेगी तो प्रधान बनाएगी और नहीं चाहेगी तो नहीं बनाएगी, लेकिन हम किसी गुंडा मावलिया के से पूछ के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकतंत्र है हमारा, संविधान मौलिक अधिकार है। यही सब बात हुई थी। उसके बाद 25/10/2010 को जब हमारे पति लेखपाल चुनावी ड्यूटी से लौट रहे थे दक्षिणवारा चौराहे पर, उन्होंने दिन दहाड़े हमारे पति को अपहरण कर लिए, उसके बाद में उनको निर्मम हत्या किए, जबकि हमने तो लाश नहीं देखी, लेकिन जो लोग बता रहे थे कि पता नहीं कितना फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद में पूरा प्रदेश जाना, पूरा भारत जाना, हमारे दरवाजे पे बड़े बड़े भी नेता आए, सब आए, अखिलेश भैया जी आए थे, शिवपाल जी साथ में रहे थे, यहाँ पूरी जनता थी, मीडिया के सभी बंधु भाई थे, सबके सामने अखिलेश जी ने कहा था कि बसपा सरकार में गुंडई चलती है, जब हमारी सरकार 2012 में आएगी तो हम इन गुंडों माफियों को सलाखों के पीछे रखेंगे, लेकिन 2012 में समाजवादी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत में बनी, लेकिन उन गुंडों माफियों का अपराध बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। ऐसे चलते चलते जब लोग, उस समय सपा सरकार थी 2016 में, और हमारे भतीजे की हत्या हुई, हमें, हमारे भाई को, हमारे ड्राइवर को, हमारे सहयोगों को फंसा दिया गया है जबरन। 4 दिन में महिला थाने में बैठी थी, बंद थी, लेकिन कोई समाजवादी के कोई भी विधायक नेता हमसे मिलने नहीं गया, हमारे सारे कार्यकर्ता हमसे मिलने गए, पूरी जिले की जनता गई, लेकिन कोई नेता समाजवादी का हमसे मिलने नहीं गया, ना कोई लखनऊ से कोई प्रतिक्रिया आई हमारे। 7 साल 2 महीना तक हमारा भाई जेल में था, उसको किसी तरह से मैंने जमानत कराई, आज आया, लेकिन उसके बाद भी हमने समाजवादी का दामन थामे रखा था और हर तरह से मदद की थी, लेकिन जब वही गुंडा अपराधी हमारे पति का हत्यारा सोनू मोनू मायंग निवासी, फिर उनको समाजवादी पार्टी में ले लिया गया था, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग उस पार्टी में नहीं रह सकते हैं, और हम अपने समाजवादी मतलब यादव बिरादरी से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे आप सबके चैनल के माध्यम से कि सब यादव बिरादरी अगर जो हमारी बात सुने माने तो ये ताकत खत्म करें, कल को ये ना कहना पड़े कि
की सोनू मोनू पार्टी में आ गए, समाजवादी पार्टी में, तो जिता दिए। इनकी हस्ती को खत्म करना है। मैं अपने यादव बिरादरी से खास कर निवेदन करूंगी, बाकी सब समाज से निवेदन करूंगी कि जो 2010 में जो इसमें अपराध पनपा था, इसको मैंने 14 साल से इसको काट रही हूँ, समथल कर रही हूँ आप सभी चैनल के माध्यम से, अपनी जनता के सहयोग से। अब आज फिर वही समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया ने उसी अपराध को फिर पनपा रही हैं, उसमें पानी छोड़ रही अपराध की जड़ पे। तो इसलिए हमारा समाज, हमारी जनता, पूरे सुल्तानपुर जिले की जनता यादव बिरादरी को खासकर निवेदन करेंगे कि उस अपराध पे, जिस अपराध पे कि जड़ पे पानी छोड़ रहे हैं समाजवादी वाले, उसको ख़त्म करें, उखाड़ के फेंकें। और माननीय माता जी को सांसद बनाएं। माता जी ने जब तक, जब से सांसद यहाँ हमारे यहाँ बनी हैं, तब से हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई जुल्म नहीं हुआ। जो भी FIR लोग उल्टा सीधा लिखाते हैं, उस पर सही तरीके से जांच होती है और उसके खिलाफ सही कार्रवाई होती है। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा पार्टी, बीजेपी पार्टी, जो माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है, गुंडे माफिए घुटने टेक लिए हैं। नहीं तो हम समझ रहे हैं, अगर फिर समाजवादी होती तो हो सकता हम सब यहाँ जीवित न रहते। तो इसीलिए हम अपने समाज से निवेदन करते हैं, हमारी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, न पार्टी से, न समाज से, किसी से, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। हम अपना 3 बच्चे लेके किसी तरह से डर डर के, लुका लुका के अपने बच्चों को पाले, पढ़ाए, लिखाए, उसमें हमारी पार्टी, राहुल भैया भी बहुत मदद किए, इसलिए हम उनसे, अपराधी से इतना दिन तक लड़ सकें। तो इसलिए हम बीजेपी ज्वाइन किए। अच्छा, आपके बीजेपी नारे से क्या बीजेपी कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। हम अपने समाज से हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, चल के मनाएंगे, बताएंगे। जो भी हमारा समाज है, अगर जिसको अपने खून में थोड़ा भी दर्द होगा तो बीजेपी को वोट कर देगा, लेकिन समाजवादी को वोट नहीं करेगा। क्योंकि ये लोकसभा है, लोकतंत्र बचाने के लिए अगर जो बीजेपी यहाँ जीत जाएगी, माननीय माता जी, मेनका जी जीत जाएंगे, तो यहाँ सामान्य वो बना रहेगा। क्या लगता है कि भाजपा में जाने के बाद आपकी सुरक्षा बढ़ेगी? सुरक्षा तो जब से माता जी यहाँ सांसद बनी, तब से तो हम सब सुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी पार्टी में हम गए हैं तो सुरक्षित ही अपने आप को समझ के गए हैं। अपने बिरादरी को आप क्या संदेश दे रही हैं? हम अपने बिरादरी को, खासकर यादव बिरादरी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें किसी समाजवादी से, किसी जात बात से भेदभाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से चंद्रभर सिंह, सोनू सिंह को हमारे पति के हत्यारे हैं, उसका पूरा जिला, पूरा समाज, पूरा यूपी जानता है कि किसने क्या किया था हमारे साथ। और फिर उसको अगर समाजवादी में लेके पनपा रहे हैं, अपराध पनपेगा, जिस दिन ये विधायक बनेंगे, पार्टी में जाएंगे, खुदा न खास्ता सत्ता आ गई, तो किसी गरीब आदमी को जीने नहीं देंगे, ना चुनाव लड़ने देंगे, ना कोटा चलाने देंगे, कोई भी काम करने नहीं देंगे। जैसे आज यहाँ आप सब के सामने है कि कोई आदमी एक अगर गाड़ी, टैक्सी, रिक्शा खरीद लेता था तो उसका जीने का अधिकार नहीं था, उसकी सवारी से सवारी उतार ली जाती थी। लेकिन आज माननीय सांसद जी की देन है कि हर आदमी स्वतंत्र है, अपना कारोबार चला रहा है, बढ़ा रहा है, कमा खा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के सवारी से उतार लें।